सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ एन आईसी इंजन के सेकंड पार्ट में आ गए हैं, और इसमें हम कुछ और जो इंजन के पार्ट्स पार्ट वन में पेंडिंग रह गए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग जो है, पिस्टन के अंदर जो ग्रूव्स बने हैं, जो स्लॉट्स बने रहते हैं, उसके अंदर इन रिंग्स को फिट किया जाता है। बेसिकली पिस्टन रिंग्स लीकेज को प्रिवेंट करते हैं ताकि हमारी जो कंबस्शन गैसेस हैं वो लीक होकर क्रैंक केस में ना पहुंच जाएं। पिस्टन के टॉप के पास दो रिंग्स यूजली कंप्रेशन रिंग्स होते हैं, और जो थर्ड रिंग होता है वो ऑयल रिंग होता है, जिसे हम ऑयल स्क्रैपर रिंग भी कह देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पिस्टन पिन। पिस्टन पिन एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है जो कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे लो कार्बन केस हार्डन्ड स्टील के साथ बनाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड सरफेस इसकी होती है, बहुत ज़्यादा फाइन सरफेस के साथ इसे बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन लॉसेस से इंजन को बचाया जा सके। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है कनेक्टिंग रॉड। इसके स्मॉल एंड को पिस्टन के साथ कनेक्ट किया जाता है, और बिग एंड को क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेन बेयरिंग्स। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के ऊपर हो रहे मैकेनिकल वर्क को क्रैंकशाफ्ट तक लेके आती है, और क्रैंकशाफ्ट इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। इसे स्टील और एल्युमिनियम अलॉय के साथ फोर्जिंग प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को यूजफुल रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है, और फ्लाई व्हील की सहायता से आउटपुट देती है। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं ब्लैक कलर के, इन्हें बैलेंसिंग वेट कहा जाता है, जो कि क्रैंकशाफ्ट पर लगने वाले जर्क को बैलेंस करता है। और ये जो आप ग्लॉसी सरफेसेस देख रहे हैं इन्हें मेन बेयरिंग कहा जाता है। इसे ब्लॉक के अंदर कवर्स लगा करके फिट किया जाता है, और एक एक गैप के ऊपर हमारी कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट हो जाती है। इसे बनाने के लिए ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, और फोर्जिंग प्रोसेस के साथ इसे बनाया जाता है। जहाँ पर कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड अटैच किया जाता है उसे क्रैंक पिन बेयरिंग जर्नल कहा जाता है, ये वाला पार्ट। इसके अंदर जो आप होल देख रहे हैं इनका पर्पस बेयरिंग्स को ल्यूब्रिकेट करना है। जहाँ पर कनेक्टिंग रॉड ब्लॉक के अंदर फिट की जाती है उसे मेन जर्नल बेयरिंग कहा जाता है। ये जो आप ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं जो कि इसके वेट को बैलेंस करता है उसे क्रैंक वेब कहा जाता है, और इन ग्लॉसी पार्ट्स को क्रैंक पिन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन बेयरिंग। इस प्रकार के दो पार्ट्स में मेन बेयरिंग इस्तेमाल किया जाता है। नंबर ऑफ बेयरिंग्स जो हैं हमारे सिलेंडर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा कितने सिलेंडर का इंजन है। फोर सिलेंडर इंजन में 3 मेन बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4 तरह के मेन बेयरिंग्स का इस्तेमाल यूजली हम करते हैं, स्टैंडर्ड ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी एंड एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी। ये अकॉर्डिंग टू द इंजन हम इसकी टाइप्स के ऊपर वेरी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट का इस्तेमाल बेसिकली इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स को ओपन करने के लिए किया जाता है, या ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। कैमशाफ्ट वाल्व्स को पुश करती है और ओपन करती है। मॉडर्न इंजन्स में 2 कैमशाफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज पर सिलेंडर हम 4 वाल्व्स का इस्तेमाल करते हैं, 2 एग्जॉस्ट और 2 इनटेक। सो एग्जॉस्ट वाल्व्स हर एक सिलेंडर के ओपन करने के लिए 1 कैमशाफ्ट, और इनटेक वाल्व्स हर एक सिलेंडर के ओपन करने के लिए दूसरी कैमशाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए फोर्जिंग प्रोसेस या कास्टिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। काफ़ी हार्ड मटेरियल से ये बनाई जाती हैं। निकल क्रोमियम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, क्योंकि ये जो आप क्रैंक लोब देख रहे हैं
इसके ऊपर वाल्व्स का बहुत अधिक प्रेशर रहता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये वर्क करती है। सो यहाँ पर प्रॉपर फिनिश बनाए रखने के लिए इसे इसकी सरफेस को बहुत हार्ड बनाया जाता है और बहुत ही ग्लॉसी बनाया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ऑयल पैन। ये इंजन के इंजन ब्लॉक के बिल्कुल बॉटम पर फिट किया जाता है। इसके अंदर इंजन ऑयल रखा जाता है इंजन की लुब्रिकेशन के लिए। यहाँ पर आप कुछ पार्ट्स देख सकते हैं जो कि ऑयल पैन के अंदर फिटेड रहते हैं। सबसे पहला एक नंबर पर जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है ये वाला, ये बिल्कुल बॉटम पर फिटेड रहता है और इसे हम ड्रेन प्लग कहते हैं। ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है इसे गैस्केट कहा जाता है। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं और इसके आगे आप एक राउंड सी शेप देख रहे हैं, इसे ऑयल स्ट्रेनर कहा जाता है। इसके अंदर ऑयल को फिल्टर करने के लिए एक जाली लगाई रहती है जो कि ऑयल पंप के आगे फिट किया जाता है ताकि जो इसके अंदर स्लज वगैरह हो वो हमारे बाकी पार्ट्स को सप्लाई ना हो। कॉमनली ये एल्युमिनियम अलॉय कास्टेड होता है और आज की डेट में कुछ मैन्युफैक्चरर्स प्लास्टिक या फाइबर के ऑयल पैन का इस्तेमाल भी करने लग गए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास वाल्व्स। ये जो आप वाल्व देख रहे हैं ये पॉपेट वाल्व है। ये सिलेंडर में फ्रेश एयर या एग्जॉस्ट के फ्लो को कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ कैमशाफ्ट और पुश रोड्स। इसे बनाने के लिए फोर्ज स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इनलेट वाल्व्स निकल क्रोमियम अलॉय स्टील के बने होते हैं और एग्जॉस्ट वाल्व सिल्क क्रोम स्टील से बने होते हैं। इसके साथ कुछ और पार्ट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जैसे वाल्व गाइड, वाल्व सील और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे वाल्व सीट कहा जाता है जहाँ से एयर का और एग्जॉस्ट का फ्लो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एयर क्लीनर। एयर क्लीनर का इस्तेमाल जो फ्रेश एयर इंजन के अंदर इनटेक होती है फर्स्ट स्ट्रोक में उसे क्लीन करने के लिए किया जाता है। दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, हैवी ड्यूटी और लाइट ड्यूटी। अकॉर्डिंग टू द इंजन कैपेसिटी हम लोग फिल्टर्स सिलेक्ट करते हैं कि हैवी ड्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा या लाइट ड्यूटी। दो तरह के होते हैं, एक पेपर टाइप फिल्टर होता है और दूसरा ऑयल इमर्ज फिल्टर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसके पैन के अंदर ऑयल कैरी किया जाता है और इसके ऊपर पेपर फिल्टर लगाया जाता है। जैसे ही एयर इस असेंबली के अंदर एंटर करती है तो पहले ऑयल के ऊपर स्ट्राइक करती है, जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं डर्ट के वो ऑयल के अंदर स्टिक हो जाते हैं, बाकी के जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो पेपर फिल्टर क्लीन आउट करके फ्रेश एयर को सिलेंडर के अंदर भेजता है। अगर डस्ट या डर्ट इंजन के अंदर चली जाएगी तो वो बहुत जल्दी सभी पार्ट्स को वेयर आउट कर देगी और हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी पॉल्यूट करेगी जिसकी वजह से इंजन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, परफॉर्मेंस पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है और इंजन की माइलेज भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। सो टाइम टू टाइम एयर क्लीनर को क्लीन भी करते रहना चाहिए और रिप्लेस भी करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द एयर फिल्टर। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो है इनटेक और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अब मान लीजिए हमारा कोई मल्टी सिलेंडर इंजन है जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे सिलेंडर से एग्जॉस्ट निकालने के लिए या इनको इनटेक देने के लिए इस तरह के पाइप्स को कनेक्ट करके एक कंसोलिडेट सिंगल पाइप बना लिया जाता है, इसे मैनिफोल्ड कहा जाता है। इनटेक मैनिफोल्ड फ्रेश एयर को इंजन के अंदर भेजता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंजन। जो भी वाल्व ओपन होगा उस सिलेंडर के अंदर फ्रेश एयर चली जाएगी और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो नीचे की तरफ कनेक्ट किया जाता है जिसमें से बर्न्ड गैसेस बाहर निकलती हैं अकॉर्डिंग टू दी एग्जॉस्ट स्ट्रोक ऑफ दी इंजन। इनटेक मैनिफोल्ड प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना रहता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कास्टेड अलॉय का बना रहता है क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट है साइलेंसर एंड टेल पाइप। ये एक कंसोलिडेट असेंबली होती है जिसके अंदर दो या तीन पार्ट्स आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले है कैटालिटिक कन्वर्टर, उसके बाद है हमारे पास सेंटर सेक्शन या मिडल साइलेंसर, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मफलर एंड साइलेंसर असेंबली। ये क्या करती है, ये वाला हिस्सा जो है इसका
एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है और चैसिस के नीचे से होते हुए ये टेल पाइप जो है व्हीकल के एंड में सारे एग्जॉस्ट को बाहर निकालती है। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है, जैसे कि CO को CO2 में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को नाइट्रोजन में स्प्लिट कर देता है, हाइड्रोकार्बन्स को H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकालता है। और ये जो आप दो पार्ट देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल एग्जॉस्ट की साउंड को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, जो आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है एग्जॉस्ट से, उन सब साउंड्स को रिड्यूस करता है ताकि नॉइस पोल्यूशन को भी कम किया जा सके और एयर पोल्यूशंस को भी कंट्रोल किया जा सके कैटालिटिक कन्वर्टर की सहायता से। सो एग्जॉस्ट एमिशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो ऑटो इंजन 2 वाली प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से डिटेल्ड वीडियो ले सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।